तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑटो रीडिंग ओटीपी प्रॉब्लम इन फोन पे। तो आपको ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइस आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी। तो जो स्टेप फॉलो करके मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया हो वो स्टेप आपको भी बताने वाला हूँ। आपको एज इट इज वो स्टेप फॉलो करके 100% आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपकी फ़ोन की सेटिंग में आना है। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे गूगल शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑटो फिल पर क्लिक करना है। ऑटो फिल पर क्लिक करने के बाद आपको ऑटो फिल विद गूगल पे क्लिक करके अगर आपकी ये सेटिंग ऑन नहीं है तो ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको SMS वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर भी देख लेना है कि आपकी दोनों सेटिंग ऑन है या नहीं है। अगर आपकी दोनों सेटिंग ऑन है, अगर आपकी ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको आ जाना है आपकी सेटिंग वाले पेज पर। सेटिंग वाले पेज पे आने के बाद आपको ऊपर स्क्रोल अप करना है। स्क्रोल अप करने के बाद आपको ऐप्स शो हो रहा होगा, आपको ऐप्स पर क्लिक कर देना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऐप मैनेजमेंट पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार शो हो रहा होगा, आपको यहाँ पर सर्च करना है मैसेज। मैसेज सर्च करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइड स्टोरेज यूजेज करके शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मैसेज का क्लियर कैच कर लेना है। क्लियर कैच करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फिर से ऊपर सर्च बार पे सर्च करना है फ़ोन पे। फ़ोन पे सर्च करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्टोरेज यूजेज करके शो हो रहा होगा, आपको स्टोरेज यूजेज पर क्लिक कर देना है। स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपके फ़ोन पे का क्लियर कैच कर लेना है। क्लियर कैच करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के आपको परमिशन करके शो हो रहा होगा, परमिशन में जाना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर SMS करके शो हो रहा होगा, आपको SMS पे क्लिक करके अगर ये डोंट अलाउ है तो आपको इसको अलाउ की परमिशन दे दी है, अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपको ऊपर साइड 3 डॉट शो हो रहे होंगे, आपको उस 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर शो सिस्टम करके शो हो जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो सिस्टम पर क्लिक करते हो तो आपके सामने सारे फ़ोन के सिस्टम ऐप ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर सिस्टम ऐप में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको आ जाना है ई वाली लिस्ट में। ई वाली लिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा इंजीनियर नेटवर्क, आपको इंजीनियर नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंजीनियर नेटवर्क पर क्लिक कर देते हो तो आपको नीचे साइड स्टोरेज यूजेज करके शो हो जाएगा, आपको नीचे स्टोरेज यूजेज पर क्लिक कर देना है। स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इंजीनियर नेटवर्क का क्लियर डेटा को सिलेक्ट करके क्लियर डेटा कर लेना है। यहाँ से आप इंजीनियर नेटवर्क पर क्लियर डेटा को सिलेक्ट करके क्लियर डेटा कर लेना है। क्लियर डेटा करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको आ जाना है एन वाली लिस्ट में। एन वाली लिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखेगा नेटवर्क हेल्थ सर्विस, आपको नेटवर्क हेल्थ सर्विस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड ही स्टोरेज यूजेज शो हो जाएगा, उस पर भी क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से भी नेटवर्क हेल्थ सर्विस का क्लियर डेटा को सिलेक्ट करके क्लियर डेटा कर लेना है। क्लियर डेटा करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको ऐसा लिस्ट में आने के बाद आपको सिम टूलकिट पर क्लिक करना है। सिम टूलकिट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्टोरेज यूजेज पर क्लिक कर देना है। स्टोरेज पर क्लिक करके आपको यहाँ से सिम टूलकिट का क्लियर डेटा को सिलेक्ट करके क्लियर डेटा कर लेना है। ये सब सारी सेटिंग करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको आपके सेटिंग वाले पेज पर आना है। सेटिंग वाले पेज पर आने के बाद आपको ऊपर सर्च बार शो हो जाएगा, आपको ऊपर सर्च बार पर सर्च करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। रीसेट नेटवर्क सेटिंग सर्च करने के बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है।
उस पर क्लिक करने के बाद सामने तीन ऑप्शन शो हो जाएंगे, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग, इरेज ऑल डेटा। तो आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है, बाकी रीसेट ऑल सेटिंग, इरेज ऑल डेटा पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। जैसे ही रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर अपना नेटवर्क रीसेट कर लेना है। तो नेटवर्क रीसेट होने के बाद, ये सारी सेटिंग होने के बाद, आपको अपने फ़ोन को टर्न ऑफ कर लेना है, स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद उसको फिर से स्विच ऑन कर लेना है। स्विच ऑन करने के बाद देखोगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम था, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक